नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेसिस, क्योंकि हमारा ये टॉपिक ये एसिड और बेस है, ठीक है। तो हमने पहले तो इसके पढ़े प्रॉपर्टीज पढ़ा है, कहाँ से कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मतलब एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंसेस एसिड है या बेसिस है, ठीक है, इंडिकेटर के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है एसिड और बेसिस की रिएक्शंस क्या है। ओके, बेसिक रिएक्शंस है, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद में मैं बताऊंगी आपको उसको लर्न कैसे करना है, ठीक है। रिएक्शंस विद मैटर, ओके, फर्स्ट एसिड है, एसिड और बेस की फर्स्ट रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, मेटल के साथ में। ओके, एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। और ये सॉल्ट आपके किचन वाला सॉल्ट नहीं है, यहाँ पे सॉल्ट का मतलब होता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन होंगे। सॉल्ट मतलब ऑर्डरलेस सब्सटेंसेस फॉर्मेशन होगा, जिसकी कोई स्मेलिंग नहीं होती है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, यानी एक गैस रिलीज होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, कब होगा, जब एक एसिड किससे रिएक्शन करेगा, मेटल से। ओके, एग्जाम्पल देखिए, HCl एंड जिंक, बैलेंसिंग मैं नहीं बताऊंगी आपको, तो ZnCl2 प्लस जिंक की वैलेंसी प्लस टू होती है, तो Cl की माइनस वन होती है, क्रॉस करेंगे तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। ओके, सेम ऐसा ही है बेस के अंदर, बेस की रिएक्शन में जब हम मेटल से करवाएंगे तो एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव। तो इसमें लर्निंग का कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान यहाँ रखना है कि रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेसिस गिव हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट। ओके, नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट आपका आता है जो गैस रिलीज हो रही है, आप इसको क्वेश्चंस कैसे पुट होंगे, क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे उल्टा, जैसे हाइड्रोजन गैसेस जो कि कोई सब्सटेंसेस है, एसिड ने किसी सब्सटेंसेस से रिएक्ट किया तो एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, और उस गैस का हम यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन में, ठीक है। अब हाइड्रोजिनेशन क्या होता है हम स्टडी करेंगे आगे। ओके, तो इस तरह उस हाइड्रोजन गैस का यूज पूछ के आपको पूछ सकते हैं कि वो कौन सी गैस है, ठीक है। आप उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो गैस रिलीज हो रही है ये हाइड्रोजन गैस ही है, ठीक है। तो इसका प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, दैट इज कॉल्ड पॉप पॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, पॉप साउंड टेस्ट। ओके,